हाउ टू क्रिएट टेक्स्ट ब्लर इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ले लिया हूँ टेक्स्ट, उसके बाद जाएंगे मैपिंग में ग्रेडियंट मैप और यहाँ पर ऐड करेंगे पॉइंट। आप अपने हिसाब से पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ 3 पॉइंट और यहाँ पर चेंज कर देते हैं कलर को। यहाँ पर रख लेता हूँ मैं ग्रीन, आप अपने हिसाब से भी कलर चूज कर सकते हैं जो आप रखना चाहे। यहाँ कर देता हूँ ग्रीन। बस आपको लास्ट के पॉइंट को कुछ नहीं करना है। उसके बाद ले लेंगे टेक्स्ट और इसे कन्वर्ट कर देंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। फिर उसके बाद जाएंगे फिल्टर, उसके बाद ब्लर गैलरी और टेल शिफ्ट। यहाँ पर हम कर लेंगे इसे रोटेट और यहाँ पर बढ़ा देंगे ब्लर। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट तैयार हो रहा है। आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं, जैसे मैं इसे बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरह और रोटेट कर देता हूँ। कुछ इस तरह तो आप चाहे तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को और इफ़ेक्ट को भी। उसके बाद क्लिक करता हूँ ओके और इसे डबल क्लिक करते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे, तो आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर आप टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं टेक्स्ट लिख दिया हूँ, उसके बाद कंट्रोल एस सेव हो जाएगा और आप जाएंगे अपने ओरिजिनल फाइल में, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और आप चाहे तो ब्लरिनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं डबल क्लिक करके, तो कुछ इस तरह के सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं अलाइन कर देता हूँ ये टेक्स्ट को। और आप चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसके लिए जाएंगे ग्रेडियंट मैप और यहाँ पर जो ग्रीन कलर है मैं उसे चेंज कर देता हूँ रेड में। कुछ इस तरह। तो इफ़ेक्ट सिंपल है। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।